आपको बता रहे हैं किस तरीके से दिल्ली समेत कई राज्यों में कोहरे का अलर्ट है। कोहरे की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली का औसत AQI 335 दर्ज किया गया है, यानी हवा की जो गुणवत्ता है वो बेहद खराब की श्रेणी में एक बार फिर से पहुंच गई है। पंजाब में आज और कल कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आज कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही शीतलहर को लेकर 4 दिनों तक येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो उत्तर भारत के लगभग सभी प्रदेश इस वक्त कोहरे की चपेट में है। अलग अलग शहरों से जो खबरें मिल रही हैं वो यही बता रही हैं कि हर शहर इस वक्त कोहरे की मार झेल रहा है। तो दिल्ली हो या वाराणसी, कानपुर हो या नोएडा, या फिर हो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, हर जगह इस वक्त विजिबिलिटी बेहद कम है। ठंड के साथ ही यहां पर कोहरा। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखने को मिल रहा है जिससे लोगों के लिए घरों से निकलना, वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। साथ ही सड़क हादसों की भी खबरें अब लगातार आ रही हैं। विजिबिलिटी बेहद कम अलग अलग शहरों में। और ये वाघा बॉर्डर की तस्वीरें देखिए, धुंध छाई हुई है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। घने कोहरे से इस वक्त घिरा हुआ है वाघा बॉर्डर। बिल्कुल बेहद कम विजिबिलिटी इस वक्त वाघा बॉर्डर में आप देख रहे हैं। तो दिल्ली समेत कई राज्यों में कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया है और कोहरे की वजह से ही AQI भी बढ़ गया है। दिल्ली का औसत AQI 335 दर्ज किया गया है। तो अलग अलग शहरों की तस्वीरें और तस्वीरें लगभग एक सी, धुंध छाई हुई है, लोगों के लिए दफ्तर जाना, घरों से निकलना मुश्किल है। और ये वाघा बॉर्डर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश के जवान मुश्किल परिस्थितियों में भी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी को पूरा करते इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कोहरे का अलर्ट, लेकिन इस बीच भी BSF के जवान किस तरीके से पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है, अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, वो आप देखिए। हो, तूफान हो, धूप हो या बारिश हो या धुंध का मौसम ही क्यों न हो, हमारे इरादे हमेशा स्तर बुलंद रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि धुंध का मौसम है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग के टाइम पे सिखाया जाता है कि तुम्हें भर्ती किया जा रहा है तो आंधी तूफान या बारिश आए तुम्हें हमेशा मैदान में डटे रहना। धुंध तो सर काफी होती है, आसपास का बंदा भी नहीं दिखाई देता, लेकिन हम पेट्रोलिंग करते रहते हैं, आवाजें लगाते रहते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये देखिए अटारी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जो जज्बा है अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर हमारे जवानों में, वो एक बार फिर से यहां पर देखा जा सकता है। कैसा भी मौसम हो, बेहद ठंड में, बेहद मुश्किल परिस्थितियों में भी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हमारे जवान। और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां कल से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में बीते दिन से लोग धुंध की मार झेल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम राष्ट्रपति भवन के पास मौजूद है, जहां की मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा शहर धुंध के मोटी चादर के पीछे ढका हुआ नजर आ रहा है। आने जाने वाले जो वाहन है उनको भी परेशानी हो रही है। सुबह का वक्त है, उजाले में भी उनको हेडलाइट का इस्तेमाल करते हुए देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि दिल्ली में अभी एक दो दिन और लोगों को ये धुंध परेशान कर सकती है। मौसम विभाग ने जहां पंजाब में धुंध को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया है, वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने धुंध को लेकर के ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर के येलो अलर्ट भी जारी किया है, यानी कि अभी कुछ दिनों तक लोगों को ठंड को लेकर के एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर हम दिल्ली के आज के तापमान की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का जो आज का अधिकतम तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस और जो न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने की संभावना है।
इसके अलावा मौसम विभाग ने ये जानकारी भी दी है कि आने वाले दिनों में जो न्यूनतम तापमान है वो घटकर 5 डिग्री सेल्सियस और जो अधिकतम तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी दर्ज की जा सकती है। ऐसे में हमारा लोगों से यही सुझाव है कि वो घर से बाहर जब भी निकले तो धुंध को ध्यान में रखें, कहीं दूर यात्रा करने से अभी परहेज करें और गाड़ी सावधानी से चलाएं। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली। ये अपने गाँव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।